कृष्ण है, यहीं से कृष्ण जी का नाम बंसी वाला पड़ा। जो कृष्ण जी का नाम पड़ता ना बंसी वाला, वो यहाँ से कृष्ण का नाम बंसी वाला पड़ा। हाँ, ये जो कदम का पेड़ आप लोग देख रहे हैं उस साइड में, जो आप लोग जंगल देख रहे हो लाल बाउंड्री के पीछे, वो जंगल का नाम क्या बोलते हैं, मधुबन जंगल। कौन सा जंगल? जहाँ पे कृष्ण भगवान ने 9 लाख गाय को चराया, तो कृष्ण का गौचर भूमि है वाला। ये जो यहाँ पीले वाले जो वस्त्र बंधे हुए, वस्त्र का नाम है मंगल वस्त्र। जो लोग मेन मंदिर से मनोकामना करके आते हैं उनका 11 महीने का बोलो बंसी वाले की, सब लोग भूमि को माथे से नमन करके। एक्सप्लोर गोकुल, गोकुल उसमें से पहला गेट ये नंद द्वार है। कृष्ण के टाइम भी ये द्वार थे, पर इसके दिन मिट्टी को ओवर किया। अब ये बाद में सारे गेट पक्के कर दिए। ये वाला छोटा गौशाला है गोपाल गोशाला, इसको छोटा गोशाला। गोकुल चंद्रमा जी सामने यहाँ का नंद बाबा का घर, यहाँ पे कृष्ण का 51 किलो सोने का झूला आया हुआ। कितना किलो का? 51 किलो सोने का, जो आज वो झूला आपको अपने हाथ से यहाँ चुराने के लिए मिलेगा यहाँ पे। बोलो बंसी वाले। क्या बोलते हैं जो कृष्ण जी भैया से ना आते ना गाय चराने के लिए, यहाँ से सारी गाय को इकट्ठा कर। ये पीछे का रास्ता कहाँ का है? जंगल। जो वहाँ पर जंगल देखा था मधुबन जंगल कुंड के उस पार, ये पीछे का रास्ता है यमुना नदी का। नदी पर सारी गैया को पानी पिला के यहाँ पे इकट्ठा करके सीधा जंगल के लिए गैया चराने जाया करते हैं। ये जो सामने आप चौतरा देख रहे हैं इसका नाम क्या बोलते हैं? रास चौक। क्या बोलते हैं? रास चौक। रास चौक जन्माष्टमी आती है ना, उस टाइम पे आप अपने घरों पे मोबाइलों पे चीजों पे जो लैब देखते हो नंद शब्द होता है, नंद के घर आनंद भाई और जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालक जय कन्हैया, तो इसी जगह से लैब जगाते हैं हर साल के साल यहाँ पे ऑल इंडिया में। बोलो बंसी वाला। जिस जगह पे अपन लोग खड़े हैं ये जगह का नाम है शंकर तपोभूमि। जैसे आज आप लोग गोकुल में आए हैं किसके लिए आए? कृष्ण के दर्शन। इसे सबसे पहले दर्शन के लिए शंकर जी आए। यहाँ जब गोकुल में शंकर जी ने 3 दिन की तपस्या किया, यशोदा माँ ने उनको इतना दूर से दर्शन कराया। बोलो यशोदा मैया की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यह है छठी। छठी आप लोग समझते कि नहीं समझते? नहीं सर। जो अपने घर में जो बच्चा होता ना 6 दिन का, जो माता बहन छठी पूजती है, ऐसे यहाँ कृष्ण का छठी पूजा था नंद बाबा ने, यशोदा माता ने। ये जो आप नाम आप लोग देख रहे हैं ये सब नाम किसके हैं? हमारे और आपके माता पिताओं के नाम। कहते हैं चलेंगे गोकुल धाम, अमर करेंगे अपना और अपने माता जी और पिताजी का नाम। ये जो गोकुल है गोकुल आपका तीर्थ नहीं है, ये तीर्थ किसका है? आपके माता जी पिताजी का। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने जो पेड़ लगाए तो उसकी छाया किसको मिल रही है? हमको। आप लोग जो पेड़ आप लगाए उसकी छाया आपको नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी? आपके आने वाले पीढ़ी। तो ये माता पिता के नाम से, यहाँ माता पिता के नाम से लगते हैं भोग 3 प्रकार के, क्योंकि मेरे ऊपर और आपके ऊपर 3 ऋण है। किस किस के ऋण है? माता पिता का और गुरु का। तो यहाँ 3 प्रकार का भोग है, 1 पाव का, आधा किलो का, 1 किलो का। जो लोग 1 पाव का भोग लगाते वो पूज्य पिताजी के नाम से। आधा किलो भोग क्योंकि पिताजी से ज्यादा ऋण किसका होता है? माता का। माता